हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के संदर्भ में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स के बारे में। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज करता है, कितने दिनों का यूज करता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन लगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेज कितना होना चाहिए। तो एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट की, यहाँ पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं एयरटेल बी 25 mg टेबलेट, जो कि हमारे पास 15 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी MRP 222 रुपये के करीब इसकी MRP है। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स को एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से मेटोप्रोलो सक्सिनेट्स एंड टेलमिसार्टन टेबलेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करके ये फ्यूचर में दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स का डोज और डोसेज की बात करें तो इसका डोज और डोसेज आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोसेज कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोसेज अपने डॉक्टर की देर में इस्तेमाल करें। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है हेडेक होना, कमजोरी होना, चक्कर आना, हाथ पैरों का सुन पड़ना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की दीर्घ में इस्तेमाल करें। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स एयरटेल बी टेबलेट्स। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स के अंदर दो मेडिसिन रहती है जिसका नाम है टेलमिसार्टन एंड मेटोप्रोलो सक्सिनेट्स। टेलमिसार्टन एक एंजियोटेंसिस एक प्रोटीन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि ERB होता है। ये रासायनिक एंजियोटेंसिस को अवरुद्ध करके काम करता है जिससे रक्तवाहिकाओं को आराम मिलता है। मेटोप्रोलो सक्सिनेट्स एक बीटा ब्लॉकर होता है जो विशेष रूप से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को लो करके हार्ट के लिए काम करता है। ये रक्त को ज़्यादा सुचारू रूप से फ्लो करके हार्ट को और अच्छी तरह से पंप करने की अनुमति देता है। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट्स को भी कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताएं। एयरटेल बी 25 mg टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।